तो ये इस टर्म की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। और फिर फ्रेश होने के लिए जाते हुए वो आनो से पूछता है कि क्या ऐसे पहले फ्रेश होना है, पर आनो फौरन से बहाना करते हुए बोलती है कि नहीं, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं जरा अपने घर वालों को कॉल लगा कर आता हूँ। और फिर ज़ीफ़ेंग के फ्रेश होकर बाहर निकलने का वेट करते करते जब आनो की काउच पर ही आंख लग जाती है तो इसे ड्रीम में देखता है कि जैसे सोते हुए ज़ीफ़ेंग के बहुत ज्यादा क्लोज है और ज़ीफ़ेंग का हाथ कंटिन्यूसली इसकी चेस्ट की तरफ जा रहा है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मतलब कि ज़ीफ़ेंग सोते हुए आनो के चेस्ट को टच करने की कोशिश कर रहा था तो वो फौरन से चीख मार कर उठ जाती है और जैसे अपने आसपास देखती है तो बोलती है ओह थैंक गॉड ये तो ड्रीम ही था। पर तभी फ्रेश होकर बाहर निकलता ज़ीफ़ेंग इसकी चीख सुनकर इसके पास आ जाता है और इसे फौरन से सो जाने को बोलता है। और आनो जैसे ही इनके बीच पिल्लोज से बॉर्डर बनाकर सोना चाहती है वो सबके सब पिल्लोज उठाकर दूर फेंकता जा रहा होता है और आनो बेचारी बेड के एक कोने पर सिमट कर सोने लगती है। तो ज़ीफ़ेंग को ये भी बर्दाश्त नहीं था, वो इसे अपने करीब कर लेता है कि ऐसे तो वो सोते हुए बेड से गिर जाएगा। पर आनो जब देखती है कि जैसे ही ज़ीफ़ेंग की आंख लग गई है तो वो दोबारा से हौले हौले खिसकते हुए बेड के किनारे पर दोबारा से टिक जाती है। और वहीं पर रात को सोते हुए जब ज़ीफ़ेंग की आंख खुलती है तो वो आनो को तकरीबन अपने ऊपर सोया हुआ देखता है और बेचारा इसे जैसे ही दूर हटाने लगता है तो वो ज्यादा और इसके ज्यादा करीब आने लगती है। तो ज़ीफ़ेंग नींद में होने की वजह से थक कर कुट कर देता है कि सोता रहे मुझे क्या है। और मिडनाइट में जब आनो की आंख खुलती है तो वो खुद को ज़ीफ़ेंग के इतने करीब देखती है तो ये इसके आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए काफी था। और ज़ीफ़ेंग से दूर जाते जाते वो बेड से नीचे गिर जाती है और बेड से नीचे एक चक्कर खा लेने के बाद सीधा जाकर चेयर पर सो जाती है। और आंख खुलने पर मॉर्निंग में ज़ीफ़ेंग से पता चलता है कि जिस बेड हैबिट स्लीपिंग की वजह से वो चेयर पर सो रहा था ना, उसने ज़ीफ़ेंग के सोते हुए रात को अपने हाथ से उसकी बॉडी के हर पार्ट को तकरीबन टटोला है। ये सुनकर आनो अपने हाथ को देखते हुए जस्ट लाइक इसी बात का तो डर था और वही हुआ ना। जब आनो श्योर जिंग से मॉर्निंग में मिलती है तो वो उसे बोलती है कि उसने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी और आई होप कि आनो और ज़ीफ़ेंग के एक साथ सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और आनो दिल में सिर्फ ये बोलती है कि तूफान तो खड़ा हुआ है और प्रॉब्लम का तो मुझे भी नहीं पता। तभी वहाँ पर डू फैमिली आकर इनको अपने साथ चलकर ब्रेकफास्ट करने का और साथ में एंजॉय करने का बोलती है। और फिर ज़ीहन तो रात से ताक में बैठी थी, फौरन से इनसे पूछती है कि वो पहली बार कहाँ और कब मिले थे, किसने पहले कन्फेस किया था और इन्होंने पहली किस कब की थी। और मिस फैंग भी इनके साथ मिल जाती है। ज़ीफ़ेंग इनको रोकने की बहुत कोशिश करता है कि ये सब इनका पर्सनल मामला है और मिस फैंग इनको इसरार करके बताने का बोलती है। और फिर इनके सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर एज पर ज़ीहन की एक्सपेक्टेशन बहुत ही अलग होते हैं। और अपनी मोम के कान में बोलती है कि मोम मैंने आपको बताया ना कि आनो हमसे झूठ बोल रहा है, शाओजिंग सिर्फ इसकी कजन है और ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। पर इनकी बात सुनकर शाओजिंग फौरन से इनकार करते हुए दोबारा से आनो के साथ उसकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करने लगती है। और ज़ीहन उसे मुस्कुराते हुए बोलती है कि बच्चों मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। शाओजिंग के इनकार करने पर ज़ीहन अपना सेल निकाल कर दिखाती है कि मेरे पास इसकी वीडियो है। तो शाओजिंग इसके हाथ से सेल छीनने के लिए आगे बढ़ती है और आनो भी इसका साथ देने के लिए जैसे ही आगे जाती है तो धक्का लगने की वजह से वो पास के पूल में गिर जाती है, जिसके पीछे पीछे अपने ज़ीफ़ेंग भी सुपर हीरो की तरह इसको बचाने के लिए पूल में कूद जाते हैं। और वो सब खड़ी शॉक देख रही थी कि शाओजिंग ज़ीहन का सेल छीन लेती है। और जैसे ही वो गैलरी चेक करती है तो उसमें तो कुछ भी नहीं था, तो वो आनो को भी बताती है कि कुछ भी नहीं है। और फिर आनो ज़ीफ़ेंग का हाथ अपने चेस्ट पर देख कर खांसी का बहाना करते हुए फौरन से दूर होकर पानी से बाहर निकलती है और आगे से शाओजिंग इसे टॉवल लेकर कवर करके अंदर ले जाती है। और चंग जंग के पास बैठे दोनों माँ बेटियाँ थ्योरियाँ लड़ा रही होती हैं कि आखिर आनो ज़ीहन को रिजेक्ट करके अपनी कजन के साथ कपल होने का ड्रामा क्यों कर रहा है। और मिस फेंग अपने पास बैठे चंग जंग को अपनी अकलमंदाना रोशनी इस थ्योरी पर डालने को बोलती है। तो चंग भाई साहब इनको बताते हैं कि जरूर इसकी बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है, पर जहाँ तक मुझे समझ में आता है इसे कभी भी किसी भी गर्ल को गर्लफ्रेंड नहीं बनाना होगा, इसलिए सब गर्ल्स को रिजेक्ट करके इनके दिल नहीं दुखाना चाहता होगा। और फिर ज़ीहन और इसकी मोम भी इस थ्योरी पर इत्तेफाक कर लेते हैं कि बिल्कुल यही बात होगी। और ज़ीहन दोबारा से कि मुझे पहले से ही पता था आनो इतना अच्छा है, तभी तो बार बार मेरा दिल उसी की
तरफ खींचा चला जाता है। जी फेंग के पास एक और रूम का एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है जिसे वो आनो को देने के लिए इसके रूम में जाता है, पर अंदर शावर लेती आनो को लगता है कि शाओजिंग रूम में है, तो उसे बाहर रखे हुए टॉवल को पकड़ाने को बोलती है। पर टॉवल लेकर अंदर जाता है जी फेंग, और आनो की बैग दूसरी तरफ होने की वजह से वो उसे ठीक से तो नहीं देख पाता है। और आनो को जैसे ही पता चलता है कि जी फेंग वहाँ पर खड़ा है, वो उसके हाथ से फौरन से टॉवल छीन कर बैठते हुए खुद को कवर कर लेती है। और जी फेंग को अपने करीब बैठे देख कर दिल में बोलती है कि शैतान के सिंह की तरह तुम कहाँ से टपक पड़े हो। जी फेंग इसके क्लोज होते हुए बोलता है कि वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रहा है जिसके फेस पर फोम लगा हो। और जी फेंग जैसे ही अपना हाथ आगे करके आनो के फेस से वो फोम हटाने लगता है, आनो अपना सेल्फ डिफेंस यूज करते हुए तो उससे पुश करके वाल के साथ पटक कर मार देती है। और जी फेंग के होश ठिकाने आ जाते हैं और इसे ये कहते हुए कि अच्छा मैं तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करता हूँ, और वापस से रूम में चला जाता है। और रूम में आते हुए शाओजुंग इसे वॉशरूम से निकलते देख लेती है और फौरन से घबराती हुई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जी फेंग के बताने पर कि इसने अंदर आनो को टॉवल पकड़ाया है, शाओजुंग इसे बोलती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। तो जी फेंग भी हैरानगी से बोलता है कि क्यों, मेरे पकड़ाने से कोई प्रॉब्लम है क्या। और शाओजुंग उसे फौरन से बोलती है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे फौरन जल्दी से रूम से बाहर निकाल देती है। और वॉशरूम से बाहर निकल कर आती आनो से बोलती है कि देखो इस बार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। और आनो जिसने के अपनी बॉडी पर टॉवल लपेट रखा था, शाओजुंग से बोलती है कि देखो तो जरा क्या वाकई में उसने मुझे पहचाना नहीं होगा, क्या वाकई में मुझे देखकर नहीं लग रहा कि मैं एक लड़की हूँ। तो शाओजुंग फौरन से उसके चेस्ट पर हाथ रखती हुई कहती है कि जिस नजर से मैं तुम्हें देख रही हूँ मुझे तो बिल्कुल भी तुम एक औरत नहीं लग रहे हो। और आनो फौरन से शुक्र करते हुए सांस लेती है कि ये ठीक है, कि मतलब उसका सीक्रेट ओपन नहीं हुआ है। और फिर वापस जाने की तैयारी करते हुए मिस फेंग आनो को ऑर्डर करती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी इनकी फैमिली किसी वेकेशन पर जाएगी तो आनो को किसी भी चांस पर इनसे टकराने की जरूरत नहीं है, कि आफ्टर ऑल अब वो भी इनकी फैमिली का हिस्सा है तो वो भी इनके साथ हर वेकेशन पर जाया करेगा। आनो वापसी पर जी फेंग के साथ आती है और जी फेंग इसे अपनी फेवरेट माउंटेन पर लेकर जाता है, जहाँ इसके मुताबिक जब भी इसे रिलैक्स होना हो ना तो वो यहाँ आकर अपना सारा स्ट्रेस निकालता है। और अब आनो को भी अपने साथ यहाँ पर शाउटिंग करके रिलैक्स होने को बोलता है, जिसे लेकर आनो को काफी मजा आ रहा था। फिर जी फेंग को एक कॉल आती है जिसके बाद वो आनो को बताता है कि वो कई सालों से अपने पापा और एक गर्ल को ढूंढ रहा है। आनो को लगता है कि वो कोई इसकी लवर होगी, पर जी फेंग इसे बताता है कि नहीं वो उसके चाइल्डहुड की सेवियर है। और आनो भी अपने चाइल्डहुड को लेकर याद करते हुए इसे बताती है कि उसने भी किसी को बचपन में डूबने से बचाया था। और इसकी बात सुनकर जी फेंग इसे बोलता है कि सच में इमेजिन करो अगर वो तुम होते तो फिर तो हम बचपन से ही एक दूसरे के भाई बन चुके थे, पर मुझे बचाने वाली वो लड़की थी। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। और जी फेंग जिस जगह का नाम लेता है तब आनो को याद आता है कि असल में इस दिन फर्स्ट टाइम आनो ने शाओजिंग के साथ अपने कपड़े गीले होने की वजह से उसने शाओजिंग की फ्रॉक पहन रखी थी, और वो दोनों खेलते खेलते इस तरफ आ गई थी जहाँ पर जी फेंग डॉग को बचाते बचाते पानी में डूब रहा था, पर आनो इसे बचाने के लिए पानी के अंदर चली गई थी। शाओजिंग और आनो मिलकर जी फेंग को होश में ला रही थी, तभी इनकी फैमिली के इनको बुलाने पर वो वहाँ से भागते हुए वापस चली जाती है। पर आनो के सर पर शाओजिंग का लगाया हुआ वो क्लिप वहीं पर गिर जाता है जिसे अब तक जी फेंग ने संभाल कर रखा हुआ था। और आनो चुपके से जी फेंग की तरफ देखकर दिल में बोलती है कि अच्छा तो एक बार फिर से मैंने तुम्हें ही बचाया। यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।